तो गाइस एक बार मैं फिर से आज हूँ आप सभी के सामने एक वीडियो लेके। आज का वीडियो कमाल का होने वाला है, तो कुछ भी नहीं करना, बस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि अच्छा वीडियो है और आपसे रिलेटेड है। आप मुझे कमेंट करते रहते हो, इसलिए मैं इस वाले टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आ गया हूँ। तो यार कुछ लोगों का क्या होता है, वो पॉकेट एडिशन को जावा के जैसे बनाना चाहते हैं, मतलब जो जावा एडिशन होता है ना बिल्कुल वैसा आप वो लोग चाहते हैं पॉकेट एडिशन दिखे। तो यार इसके लिए एक यूआई आती है, आप उस यूआई का यूज़ कर सकते हो। उस वाली यूआई का यूज़ करने के बाद आपका जो पॉकेट एडिशन है बिल्कुल लगने वाला है जावा के जैसा। तो यार इस वाली यूआई में एक दिक्कत आ रही थी और वो दिक्कत थी वर्जन की। इसका वर्जन थोड़ा पुराना हो गया था, जो लेटेस्ट वर्जन में वर्क नहीं कर रहा था। जैसे आप अपनी इन्वेंट्री ओपन करते थे तो आपका वर्ल्ड क्रैश हो रहा था, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, लोग इस वाली यूआई का यूज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस वाले यूआई का अपडेट आ गया है और मैं आप सभी के लिए लेके भी आ गया हूँ उस वाले वीडियो को। तो इस वाले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा इस वाले अपडेट में जावा यूआई में कौन कौन से नए नए फीचर्स आए हैं और आप सभी उन फीचर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। आप सभी को कुछ भी नहीं करना, माइनक्राफ्ट के अंदर आ जाना है, इस वाले एडोन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड किस तरह से करना है, इजी, बिल्कुल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, आप सभी इजीली डाउनलोड कर सकते हो, वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप माइनक्राफ्ट ओपन करते हो और आप सभी को नहीं पता इस वाले जो एडोन होता है उसको माइनक्राफ्ट में किस तरह से इंपोर्ट करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आप सर्च करो जिप फाइल बाय माइनक्राफ्ट, तो आप सभी को वीडियो मिलेगा, उस वाले वीडियो को देखो, उसमें सब कुछ मैंने बता दिया है। तो आप सभी कुछ भी नहीं करना, माइनक्राफ्ट के अंदर आने के बाद आप सभी को सेटिंग के अंदर जाना है, स्क्रॉल करना है नीचे एंड आपको जाना है ग्लोबल रिसोर्स में एंड माई पैक्सम जाके इस वाले एडोन को यहाँ से अप्लाई कर देना। यह है वीडीएक्स जावा यूआई, आप सभी को बैक करना है एंड यहाँ पे आप सभी को देख सकते हो आप सभी का जो पूरा इंटरफेस है ये सारा ही चेंज हो जाता है, क्योंकि यूआई का फुल फॉर्म होता है यूजर इंटरफेस, तो ये सब कुछ चेंज हो जाता है। देख सकते हो आपका वर्जन फर्जन एंड ये पूरा जावा जैसे लग रहा है, देख सकते हो आप, एंड जो ऑप्शन आता है सेटिंग आती है ये भी पूरी तरह से चेंज है। ओके, इसके अंदर आप सभी को बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और फीचर्स कौन कौन से हैं उनके ऊपर मैं अब बात करने वाला हूँ। तो यार प्ले बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो देख सकते हो पूरा सब कुछ यहाँ पे चेंज मिलता है, ये ऑलमोस्ट जावा जैसे दिखता है। एंड मैं इस जैसे इस मैप को मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट प्ले वर्ल्ड सेलेक्टेड वर्ल्ड, इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका वर्ल्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर कौन कौन से नए नए फीचर्स आए एंड जो पुराना जावा यूआई था उसमें क्या क्या नहीं था एंड इसमें क्या क्या नया नया आ गया है एंड ये उससे अच्छा क्यों है एंड इसमें जो इन्वेंट्री है वो भी अच्छी तरीके से ओपन होती है एंड देखे तो इसका जो एनिमेशन है ये भी बिल्कुल जावा के जैसा है, जैसे कोई वर्ल्ड जनरेट होता ना जावा में बिल्कुल वैसा ही है दिखता है। तो देख सकते हो हमारा वर्ल्ड जनरेट हो गया है एंड आप जैसे इन्वेंट्री ओपन करते हो तो देख सकते हो आपकी इन्वेंट्री बिल्कुल जावा के जैसे दिखती है और आप जैसे सेटिंग पे क्लिक करते हो तो सेटिंग भी बिल्कुल वैसे ही दिखती है। तो जैसे सेटिंग के जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको क्लिक करना है ऑप्शंस के ऊपर, जैसे आप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कैमरा एंगल चेंज करने का ऑप्शन यहीं पर डाल दिया, आप सभी राइट साइड में ऊपर देख सकते हो सेकंड नंबर का ऑप्शन, आप सभी कैमरा एंगल को यहीं से चेंज कर सकते हो, देख सकते हो बिल्कुल ईजी बना दिया है इसको, आप सभी ईजीली यहाँ पर क्लिक करना है और फिर से यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से आप इजीली इन सबको चेंज कर सकते हो। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वाला फीचर, क्योंकि कैमरा एंगल अंदर जाकर कैमरा एंगल चेंज करने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ी गई है, यहाँ पे आप सभी सेटिंग में क्लिक करके यहाँ पे भी काफ़ी सारी सेटिंग देख सकते हो एंड इसमें नई नई सेटिंग भी ऐड कर दी गई है। ओके, जो आप सभी को काफ़ी अच्छी लगने वाली है और जैसे वीडियो ऑप्शन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड की गई है एंड इसका लेटेस्ट वर्जन है और मेरे पास जो वर्जन है आपसे मैंने देखा था कौन सा वर्जन है, तो इजीली आप सभी इसको डाउनलोड कर सकते हो और प्ले भी कर सकते हो। तो ये यूआई है, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि इसके मदद से आप जावा को माइनक्राफ्ट में प्ले कर सकते हो, बस ये कि आप जो यूजर इंटरफेस होता है आप अपने इंटरफेस को जावा के जैसा बना सकते हो इस यूआई की मदद से। तो यार इसको डाउनलोड करना बिल्कुल इजी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप सभी डाउनलोड कर सकते हो। तो यार आज का वीडियो में बिना मतलब इसको बड़ा नहीं करना चाहता, इतना सा वीडियो है, आप सभी को अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर देना। तो यार मैं मिलूंगा आप सभी को ऐसे ही कमाल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।